16 दिसंबर को दो सानहे पेश आए। पहले मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलहदा होकर बांग्लादेश बन गया और दूसरा सानहा 16 दिसंबर को APS सानहा APS के शहदा और ये उसके 16 दिसंबर को एहतजाज हो रहा है UET टक्सला में। ये मोटरसाइकिल सवार की क़यादत में UET टक्सला में सानहा APS के शहदा के याद में एहतजाज किया जा रहा है, रैली मुनक्कद की जा रही है। ये रैली वाइस चांसलर ऑफिस के सामने से रैली रवाना हुई है। मुफ्ती साहब पूरा पूरा जिंदाबाद।
तकरीब उन शहदा के नाम जिन्होंने अपने सीनों पर गोलियां तो खाई, जिन्होंने अपने सीनों को शहीद करवाया, जिन्होंने अपने सरों को अपने तन से जुदा तो करवाया, लेकिन इस वतन की खातिर, इस कौम की खातिर, इस मिल्लत की खातिर और इन जवानाने पाकिस्तान की खातिर अपना सर बुलंद करने की खातिर अपनी शहादत पेश की। आज हम उनको दोनों हाथों से सलाम पेश करते हैं। आज ये तकरीब उन शहदा के नाम जिन्होंने अपनी जान का नजराना इस वतन पर पेश कर दिया और अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए ताबिंदा और रोशन करवा दिया। आज की तकरीब का बाकायदा आगाज मैं तिलावत कलाम पाक से करूँगा। इसके लिए मैं दावत देता हूँ जनाब मोहम्मद अफजल अकबर साहब को कि वो आए और तिलावत कलाम पाक करें। आज सबसे पहले मैं आप आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे टीम फैकल्टी, हमारे जितने भी फैकल्टी मेम्बरान बैठे हैं सबका शुक्रिया कि जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से आज हमें गायन दिया। वो किसी ने कहा था सितमगढ़ इधर आ हुनर आजमाए, सितमगढ़ इधर आ हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तो उन्हीं शहदा को फिर आज एक किस्त पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ रजिस्ट्रार साहब जनाब डॉक्टर मंसूर अहमद बलोच साहब के वहाँ और शहरा की बारगाह में फिर आज एक किस्त पेश करें। जैसा कि आपको मालूम है
कि 16 दिसंबर सन 2014 जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ब्लैक डे था, जिसमें हमारे नन्हे और मखदूम बच्चों को शहीद किया गया और जिस तरह जुल्म ढाया गया, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ब्लैक डे है। और बेटा, जैसा कि आपको मालूम है, इसके पीछे हमारे दुश्मन हैं, जो दुश्मन मालिक हैं, जिनका मकसद, जिनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो हमारी पाक फौज के साथ सामना कर सकें, और उन्होंने प्राक्सी वार के तौर पर हमारे नन्हे और मासूम बच्चा को शहीद किया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऑपरेशन दरब अजब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, जिसने दुश्मन की कमर तोड़ दी, और आज का वो दुश्मन अपना मुंह छुपाए फिरते हैं और उनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो हमारे पाक फौज का मुकाबला कर सकें। इस जंग में, प्राक्सी वार में हमारे बहुत से 14 पाक फौज के भी बहुत सारे 14 जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, तो इस मौका पर मैं अपनी पाक फौज को भी सलूट पेश करता हूँ जिन्होंने हमारे मुल्क में अब अमन कायम किया है। और इस अमन के पीछे उन बच्चों का खून है, और किसी ने क्या खूब कहा है, लिखा हुआ भी है, हमारा खून भी शामिल है तज़ईन गुलिस्तान में, हमें भी याद रखना जब बहार आए। तो बेटा, आज का जो मुल्क में हमारे अमन और बहार है, इसके पीछे इन बच्चों का 14 का खून है। और अभी जैसे कि आप नारा लगा रहे थे कि 14 का खून जो है ना, वो कौम की हयात है, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नेशनल यूथ असम्बली के एडवाइज़र का, आप तलबा का, जिन्होंने 16 दिसंबर 2014 के दिन को याद रखा और आज ये बात का अहतमाम किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को मज़ीद तरक्की नसीब करे, और आप बच्चे जो इकबाल के शाहीन हैं, इस मुल्क की बाग दौड़ पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। एडवाइज़र साहब को कि प्रेसिडेंट असेंबली सारी कैबिनेट का, जिन्होंने आज ये बात हमारे लिए अरेंज की, और एक काम पर मैं दुआ के लिए, उस शहदा के लिए दुआ के लिए दावत दूंगा, जनाब मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब से उनके मुआइन और दुआ। शुरू नहीं रखते अल्लाह जल्ला जलालुहु वल वालू।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Um.